अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यस ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अंडरकोट क्या है। यस मैम। अब पिछली क्लासेस आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है हमने, इन कलर्स को, इनको मिक्स करके, X3 और X1 को मिक्स करके कलर जो बनाया है जो स्टैंड पे, वो भी आप लोगों को दिखाया है। लेकिन अब आपको यहाँ पे अंडरकोट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ हेयर कलर अंडरकोट? मींस के हेयर का अंडरकोट जो है, हमारे बालों का अंडरकोट क्या होता है? जहाँ पे समझ नहीं आ रही आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। क्योंकि आपके क्वेश्चन से बिगनर्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे देखें, ये कलर लेवल है। कलर लेवल का तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियो हैं लेवल के अकॉर्डिंग हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लेवल है। ये देखें, यहाँ से भी आप, ये कार्ड भी मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि ये देखें, ये लेवल है 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0, ये लेवल है। ठीक है। आप देखें, कई लोगों का बाल आप देखते हैं कि 3.0 3 के लेवल का बाल है। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका 4 का लेवल का होता है, कई 5 के लेवल का होता है। हमारी जो एशियन स्किन है ना, नेचुरली जो बाल होते हैं ना, जो वो बाय बर्थ लेके आते हैं, वो 5.0 तक है। आगे जो फैशन शेड करवाते हैं, फिर 6 करवा लेते हैं, 7 करवा लेते हैं, या जैसे गोरे हैं उनका जो बाय बर्थ होता है, जो उनका अपना नेचुरल होता है, वो 8 9 10 के लेवल का भी होता है, लेकिन एशियंस का 5 के लेवल तक होता है। yes, ये है लेवल। अब यहाँ पे देखें कि अंडर कोट लेवल का मैंने आप लोगों को समझा दिया। yes, शेड कार्ड से भी बता दिया कि लेवल क्या है। yes, अब यहाँ पे आगे आ गया कलर। यहाँ पे देखें, जो लेवल 1 है ना, वो ब्लू ब्लैक है। yes, और जो लेवल 2 है वो ब्लैक है, और जो लेवल 3 है वो डार्क ब्राउन है, और जो लेवल 4 है वो ब्राउन है, लेवल 5 लाइट ब्राउन है, लेवल 6 पे डार्क ब्लॉन्ड है। ये इनके नेम है। yes, ये लेवल के नेम है। 6 जो है वो डार्क ब्लॉन्ड है, 7 जो है वो ब्लॉन्ड है, 8 जो है वो लाइट ब्लॉन्ड है, 9 जो है वो वेरी लाइट ब्लॉन्ड है, 10 जो है वो लाइटेस्ट ब्लॉन्ड है। yes, यहाँ शेड कार्ड से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इनके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो लेवल 2 है, यहाँ पे ये डार्क ब्राउन है। उसके बाद हमारे पास लेवल 3 आ जाता है, ये मीडियम ब्राउन है, और जो लेवल 4 है वो लाइट ब्राउन है, और जो लेवल 5 है आप देख सकते हैं लाइटेस्ट ब्राउन है। यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे देखें कि जो लेवल 6 है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? डार्क ब्राउन। यही सेम चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आपको उस चीज़ की समझ आए कि शेड कार्ड में भी यही नेम मेंशन है। ये कोई मैंने, ये कोई अलग से नहीं लिखी हुई है, ये यही चीज़ है। यस मैम। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? जी मैम। ये जो है, ये सब लेवल है, ये लेवल है 10 तक, और ये इनके नेम है। जी, नेम है ना जी। अब हमें जो ये लेवल नज़र आते हैं, इनके अंडर कोट क्या हैं, यानी कि हमारा जो बाल है उसका अंडर कोट, यानी कि अंदर छुपा हुआ पिगमेंट। पिगमेंट अब क्या है? पिगमेंट मतलब कलर। कलर। यस मैम। पिगमेंट कलर को बोलते हैं। यस मैम। जो लेवल 1 पे ब्लू और ब्लैक है, इसका अंडर कोट ब्लू है। ब्लू। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हमने कट डाउन किया है, मैंने आप लोगों को कट डाउन करके दिखाया है कि बालों के अंदर 3 कलर होते हैं, कौन से? रेड, येलो, ब्लू। ब्लू कलर फौरन गायब हो जाता है, नजर भी नहीं आता। जी। तो जो ब्लू ब्लैक के अंदर है वो ब्लू है, अंडर कोट उसका छुपा हुआ कोट। और जब जो ब्लैक बाल है उसके अंदर ब्लू और रेड, यानी कि जो ब्लैक बाल होता है, ये बालों के लेवल हैं, और जैसे जैसे बालों का लेवल चेंज होता है, जब आप बालों को कट करते हैं तो बालों का लेवल चेंज होता है। जो ब्लैक बाल होता है ना, जो 2 के लेवल पे होता है, उसका जो अंडर कोट पिगमेंट है ना, ये लिखा हुआ है अंडर कोट पिगमेंट। जी मैम। जो ब्लैक का अंडर कोट पिगमेंट है ना, ब्लू और रेड है। जी। जब आप स्टैंड को कट डाउन करते हैं, स्टैंड को करें, ये रियल क्लाइंट पे काम करें, जैसे हमने ये स्टैंड देखें, ये कट करके रखी थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसमें फिर ऑरेंज पिगमेंट आता है, रेड आता है, और उसके बाद येलो टाइप आता है। ये मजीद आगे आप लोगों को समझाती हूँ। ब्लैक के अंदर ब्लू और रेड आ जाता है, रेड है। Red. अच्छा, और जो नंबर 3 है डार्क ब्राउन। जी। डार्क ब्राउन का अंडर कोट रेड और ब्लू है, यानी कि अभी भी इसके अंदर ब्लू मैच है, ब्लू ब्लैक की तरह ही नजर आता है। जी। यानी कि बहुत ज्यादा वाज़े रेड आपको नजर नहीं आएगा डार्क ब्राउन में। यस मैम। ठीक है। अब नंबर 4 के लेवल पे ब्राउन आ जाता है, यहाँ पे ब्लू बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी।
यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है जी, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है क्योंकि बालों का लेवल चेंज हो गया ना, कट हो गया जब हम कट डाउन करते हैं जी। ठीक है, अब ये भी तो देखे ना, ब्लैक बाल था, ये आपको ऊपर से नजर आ रहा है जी, ब्लैक जी। बाल था, हमने इसको कट किया, कट डाउन किया और इसमें एंटी कलर्स डाले, हमने इसमें जो एंटी कलर डाले थे ऑरेंज और रेड पिगमेंट को खत्म करने के लिए डाले थे, ये येलो को खत्म करने वाला वॉयलेट नहीं डाला था। जब 4 के लेवल पे ब्राउन पे बाल आ जाता है ना, उसके अंदर से ब्लू खत्म हो जाता है, ब्लू खत्म हो जाता है, रेड वाजे हो जाता है, रेड वाजे हो जाता है। अच्छा, अब देखें कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने कलर करना है 4.0 का जी, ठीक है, अगर 4.0 में आप कलर कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपका रेड उसमें न्यूट्रलाइज हो जाए, तो रेड को एंटी कलर कौन सा है, ग्रीन है, ग्रीन तो आप 1 सेंटीमीटर ग्रीन डालेंगे तो वो आपका रेड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये एंटी कलर इसीलिए बने हुए हैं कि जब हम हेयर्स का काम करते हैं तो जो पिगमेंट हमें नहीं चाहिए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटी कलर यूज करते हैं। यस मैम, लेकिन फिलहाल आप अंडर कोट, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि किस लेवल का अंडर कोट कौन सा है। 5 के लेवल पे लाइट ब्राउन बाल आता है जी, जो 5 के लेवल के, उसके अंदर रेड प्लस ऑरेंज, ठीक है, मींस के रेड जो है ना, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है रेड, ये ज्यादा होगा और ऑरेंज कम होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि ब्लैक में ब्लू ज्यादा होगा, रेड कम होगा, जब लेवल 3 पे जाएगा रेड ज्यादा होगा, ब्लू कम होगा, जब लेवल 4 पे आएंगे तो रेड उसमें रह जाएगा, जब हम उससे ज्यादा लाइट जाएंगे लेवल 5 पे आएंगे और रेड और ऑरेंज उसमें अंडरकोट पिगमेंट है, रेड ज्यादा होगा, ऑरेंज बहुत कम होगा। इसी तरह जब हम लाइट जाते जाएंगे तो जो रेड है वो खत्म होता जाएगा, ऑरेंज ज्यादा होता जाएगा। अब हम 6 के लेवल पे जब आते हैं डार्क ब्राउन पे, तो यहाँ पे ऑरेंज ज्यादा है और रेड कम है, देखें यहाँ पे रेड फर्स्ट पे है, यहाँ पे रेड सेकंड पे आ गया। Yes, ma'am. जब हम 6 के लेवल पे जाते हैं जो कि हमारा डार्क ब्लॉन्ड है, यहाँ पे हमें ऑरेंज पिगमेंट का सामना करना पड़ता है, रेड कम है। ऑरेंज और रेड पिगमेंट को खत्म करने के लिए हमेशा मैं कट डाउन में 2 कलर ऐड करती हूँ, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन ये 2 कलर ऐड करती हूँ। अब ऑरेंज का एंटी कलर कौन सा है, ब्लू। ब्लू ब्लू डालेंगे तो ऑरेंज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यस मैम। और रेड का कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन डालेंगे तो रेड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। yes, तो फिर हमारे पास ऐसी स्टैंड आ जाती है जो येलो की तरफ आ जाती है। समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अब किस नंबर पे थे हम, 6 नंबर पे थे, डार्क ब्लॉन्ड। डार्क ब्लॉन्ड में जो अंडरटोन पिगमेंट है वो ऑरेंज और रेड है, ऑरेंज ज्यादा है, रेड आस्ता आस्ता निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जी मैम। 7 पे आते हैं, 7 जो है वो ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड में अब आपके पास रेड खत्म हो गया, रेड आपका निकल गया। अब अगर आप 7 के लेवल का कोई कलर करते हैं जी मैम, तो आप 7 के लेवल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अंडरकोट जो पिगमेंट आएगा वो ऑरेंज आएगा जी। ये चीज आपको अंडरकोट पता होगी तब आपको पता होगा ना कि जो 7 का आप कलर करेंगे, अब 7.0 आप किसी को कलर करते हैं जी, उसका अंडरकोट ऑरेंज है, और ऑरेंज का एंटी कलर कौन सा है, ऑरेंज का एंटी कलर कौन सा है, ब्लू। ब्लू ठीक है, तो आप थोड़ा सा बीच में ब्लू ऐड कर देंगे तो वो एक खूबसूरत आपको 7 का कलर मिल जाएगा। यस मैम। आपके क्लाइंट को चाहिए 7.0, अगर आप क्लाइंट को 7.1 कर देते हैं ये वाला, क्योंकि 1 जो है वो इसके अंदर ऐड है ब्लू, जो 1 है वो किसको शो करता है, ऐश को, ऐश ब्लू को शो करता है। अगर आपकी क्लाइंट को 7.0 का कलर चाहिए और उनकी ग्रे कवरेज नहीं है, क्योंकि ग्रे कवरेज सिर्फ नेचुरल से होती है, वो 7.1 से नहीं होगी। यस मैम। अगर उनको 7.0 का कलर चाहिए तो आप 7.1 करेंगे तो वो 7.0 का उनका एक अच्छा कलर आ जाएगा, एक न्यूट्रल कलर आ जाएगा। ओके मैम। उसमें पिगमेंट खत्म हो जाएंगे। अगर आपके पास 7.1 नहीं है तो ये मिक्स टोन है तो आप ये X1 थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ओके मैम। तो वो आपका ये वाली जो टोन है ना ऑरेंज वाली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब 8 के लेवल पे लाइट ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड में अब ऑरेंज भी है अंडरटोन और येलो भी है। अब देखें हम ऊपर से शुरू हुए हैं, पहले रेड थी वो आस्ता आस्ता निकलती गई, उसके बाद ऑरेंज आई, ऑरेंज भी आस्ता आस्ता निकलती गई, अब यहाँ पे जब हम लाइट ब्लॉन्ड में आए हैं तो ऑरेंज और येलो अंडरकोट पिगमेंट है इनके जी। ठीक है, अब हम आगे जब अगले लेवल पे आते हैं वेरी लाइट ब्लॉन्ड जो कि 9 का लेवल है, इसमें ऑरेंज खत्म हो जाता है जी, येलो आ जाता है, येलो ज्यादा और ऑरेंज कम, यहाँ पे येलो ज्यादा आ जाएगा ऑरेंज कम आ जाएगा। जब हम लाइटेस्ट ब्लॉन्ड में जाएंगे तो फिर ऑरेंज भी खत्म हो जाएगा, येलो रह जाएगा, येलो रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि कोई बाल अगर आपके पास ऐसा है जो कि 9 के लेवल पे है, जो कि 9 के लेवल पे है, और उसमें अगर आपको नजर आ रहा है कि उसका अंडरकोट 9 के लेवल पे अब आप कट डाउन करते हैं,
yes, तो उसमें जो एंटी कलर आप यूज करेंगे, ऑरेंज का एंटी कलर आप ब्लू यूज करेंगे, ब्लू, और येलो का एंटी कलर कौन सा होगा? वायलेट। वायलेट। तो ये जो पील येलो टाइप है ना, ये चीज खत्म होके एक बहुत अच्छा कलर हो जाएगा। जब हमने ज्यादा हाईलाइट की तरफ जाना होता है या एश की तरफ जाना होता है, तो फिर हमें येलो को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ता है।